चारों प्लेयर्स का एडवांटेज भी इनके पास है, और अगर ये इनके पास जोन चला गया तो बहुत ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं। टीटी के डार्क ओप, ओ माय गॉड, एक नेड, दो शिकार, और पीटीसी के दो प्लेयर जो एक अच्छा कवर बना चुके थे होते नजर आएंगे आपको। लास्ट प्लेयर बहुत ज्यादा दूर अपनी टीम से कवर फायर प्रोवाइड कर रहे हैं, लास्ट नहीं चलिए दो प्लेयर उनके अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, बट एटीएफ की स्क्वाड को आप देखें बिल्कुल चहलकदमी नहीं, उनको पता है कि ये मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पहले ही मैच में प्लेसमेंट पॉइंट निकालने में कामयाब रहे तो खुशी का कोई इनका ठिकाना नहीं होने वाला, बट अभी आप देखें सबसे ज्यादा मुश्किल में आपको वही टीम देखने को मिलने वाली है, सर्कल उनका साथ छोड़ चुका है, बस जो भी था यही तक था इस हीरो के साथ। फिलहाल के लिए यूपी 50 की स्क्वाड को आप देखें, बट पीटीसी वो अपने प्लेयर को रिवाइव करने में वो कामयाबी हासिल कर भी रहे हैं, बट एक अच्छा ग्रेनेड और जो प्लेयर रिवाइव करने आए उसका भी हमें खात्मा देखने को मिलने वाला, बट 4SE की स्क्वाड को आप देखें, जोन उनके पास यूपी 50 बहुत ज्यादा क्लोज जोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बट पीटीजी उन्होंने गलती यहाँ पे की जरूर है, सारे प्लेयर यहाँ पे फंस के रह जाएंगे, एक प्लेयर पीछे की साइड पे है जो कवर फायर देने की कोशिश कर रहे, बट प्रभु मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ कर पाएंगे, ऑलरेडी उनकी पोजीशन वहां पे रिवील थी, लास्ट प्लेयर पीटीजी से सर्वाइव करेंगे, बट हाँ टीम टू द टॉप, इन्होंने भी यहाँ पे गलतियां करी हैं क्योंकि इस वक्त वो सर्कल के बाहर फाइट ले रहे थे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपने यहाँ पे फिनिश